गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका की नाम है रैशनल नंबर। तो आइए पहले देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ चीज जानना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर। बेसिक सा चीज है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, तभी हम लोग आगे इसके आगे का पार्ट जो कि रैशनल नंबर इसको पढ़ सकेंगे। तो हम लोग उस चीज को पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ये सारा चीज इंटीजर्स वगैरह सब कुछ क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, तो एक बार हम लोग उसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। तो नंबर 1, व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो क्या लिखा हुआ है कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं कि जहां से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज को गिनती कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो यानी कि नेचुरल नंबर हो गया, दैट इज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड गोज टू इन्फिनिटी। और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, क्योंकि काउंटिंग कभी काउंट किसी भी चीज का कभी खत्म नहीं होता। स्टार्ट होना है 1 से 1, 2, 3, 4, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद जाते हैं कि अब नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है, कि द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को इंक्लूड करके अगर नेचुरल नंबर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो आर कॉल्ड एज होल नंबर। तो दैट इज हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जो जीरो से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि जीरो के बिना कोई भी नंबर सिस्टम अधूरा है। जीरो अगर नहीं रहेगा तो हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि एक नंबर सिस्टम कैसा हो सकता है। जीरो मेन पार्ट प्ले करता है। तो जीरो जिस चीज में इंक्लूड हो जाए वो हो गया होल नंबर, और नेचुरल नंबर हमेशा काउंटिंग नंबर ही होता है। अब इसके बाद तीसरा हम लोग का मेन चीज आता है इंटीजर्स। इंटीजर क्या है, तो इंटीजर्स क्या है, होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नेचुरल नंबर। नेगेटिव नेचुरल नंबर बोले तो किसी भी नेचुरल नंबर के पहले अगर माइनस का साइन लगा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। और जैसा कि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है मतलब ये कि पॉजिटिव है। अगर कोई साइन नहीं लगा मतलब उसके सामने पहले से ही प्लस लगा हुआ है, तो ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि उसके किसी भी नेचुरल नंबर के सामने से कोई एक नेगेटिव का साइन लगा उसको बोला जाएगा नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या हो गया, होल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। एक सेकेंड, मार्कर चेंज करना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि इंटीजर्स जो कुछ भी हो जाए नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। जीरो जीरो साइनलेस है, जीरो में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, जीरो में कोई भी साइन नहीं लगता। इस बात को ध्यान में रखना हमेशा, जीरो में कोई भी साइन नहीं लगता। और उसके बाद से सारा जीरो के बाद जो भी है सब कुछ पॉजिटिव है, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इधर भी इन्फिनिटी ले सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट हो ना, -10, -3000 कुछ भी हो। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको मिटा देते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर है क्या,
तो रैशनल नंबर जानने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रैशनल नंबर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे हो गया रैशनल नंबर। तो ये वर्ड जो है रैशनल नंबर कम्स फ्रॉम रेशियो। कहां से आता है? वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, कम्स फ्रॉम रेशियो। और रेशियो का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर रेशियो का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी इज टू क्यू, पी इज टू क्यू बोले तो पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है हम लोग उसको बोलते हैं वो रेशियो में है। तब हम लोग को आगे जानना है कि ये कम्स फ्रॉम रेशियो। तो रेशियो इसी चीज को हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन ये होगा कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब क्यू यहां जीरो क्यों नहीं होगा? क्यू जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर जीरो है तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। तो हर क्वेश्चन का आंसर अगर इन्फिनिटी आए तो रैशनल नंबर का काम ही क्या है? पूरा चैप्टर में आंसर इन्फिनिटी आना हो तो। बस इसीलिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसमें जीरो क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। इस जीरो को छोड़ के कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो जो भी हो सब सही है, बस जीरो नहीं हो। और पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, माइनस प्लस जो है सब सही है। तो ये वर्ड हम लोग को मेन ध्यान रखना है कि जो वर्ड है आता है रेशियो से, जो वर्ड है कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अब ये हो गया, अब इसमें हम लोग को मेन पढ़ना है, डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर कि प्रॉपर्टी क्या क्या है, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज किस चीज में हम लोग डिनोट करते हैं? प्रॉपर्टी तभी आता है जब हम लोग उस चीज को किसी भी रैशनल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर उसको डिवाइड करेंगे, तभी पता चलेगा कि उसमें क्या है उसका, तब हम लोग के पास उसका प्रॉपर्टीज का यूज पड़ेगा। बिना किसी चीज का प्रॉपर्टीज का यूज तो पड़ना नहीं है। मतलब जब हम लोग रैशनल नंबर को ऑपरेट करेंगे, रैशनल नंबर के साथ हम लोग उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो हम लोग को प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन में। किसमें देखेंगे? एडिशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, बेसिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में कुछ है नहीं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज में क्या है? नंबर वन प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी भी दो रैशनल नंबर्स को अगर ऐड करते हैं, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल, विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर। इसका हम लोग को डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन याद करने का कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, बस इसका एक्सप्रेशन याद रखना। एक्सप्रेशन बोले तो क्या? एक्सप्रेशन का मतलब हो गया सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर। या मान लीजिए अगर रैशनल नंबर मेरा ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर, ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, उसका एड कर दिया हम सी अपॉन डी से, तो सी ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसका जो सम आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। हमको बस ये याद रखना है, बस ये याद रखना है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर रिजल्ट कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है दूसरा प्रॉपर्टी? है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम लोग अगर किसी भी चीज को ऐड करते हैं, जैसे दो रैशनल नंबर्स को ऐड किए, ए और बी दो रैशनल नंबर है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अरे दो और तीन को एक साथ जोड़े या तीन और दो को जोड़े, बात तो बराबर है ना। तो बस वही चीज है कि अगर हम लोग दो नंबर्स को ऐड करते हैं ए और बी, तो बी इज इक्वल ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। डेफिनेशन का अलग ही कोई जरूरत है नहीं, फिर भी लिख देते हैं कि सम ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ एडिशन, डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्म, यानी कि इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन दैट इज हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम लोग ए प्लस बी अगर कोई भी नंबर को दो नंबर को अगर जोड़ रहे हैं तो उसको उल्टा करके जोड़े या सीधा करके जोड़े, बात वही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक, अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम लोग दो तीन रैशनल नंबर से तीन या तीन से ज्यादा उसको एक साथ ग्रुप करें या फिर किसी अलग तरीके से ग्रुप करें, या मतलब कि ए पहले बी और सी को पहले जोड़े बाद में ए को जोड़े, या फिर ए और बी को जोड़ के बाद में सी जोड़े, किसी भी तरीके से अगर ग्रुप करके जोड़ते हैं तो आंसर फाइनल का उसका आंसर जो होगा सेम ही होगा, आंसर में कहीं कोई चेंज होने वाला नहीं है। यानी कि सम ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुप, डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप ऑफ नंबर, अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुप ऑन द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स। ग्रुपिंग पे डिपेंड नहीं करना है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये हम क्या बोले, इसका एक्सप्रेशन ये बनता है कि ए प्लस बी प्लस सी को अगर ब्रैकेट में डालें, हम ब्रैकेट में डालने का मतलब सीधा होता है कि ब्रैकेट का काम पहले होगा बाद में, मतलब बी और सी को पहले जोड़ा जाएगा बाद में ए को जोड़ा जाएगा, तो उसी तरह अब हम लोग ब्रैकेट ए और बी को कर देते हैं फिर सी लिखते हैं, तो दोनों में से किसी भी को हम कैलकुलेट करेंगे आंसर उसका फाइनल आंसर सेम ही आना है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव कम्युटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, बेसिक सा प्रॉपर्टी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक्सप्रेशन को याद करना है और ये वर्ड्स वगैरह डेफिनेशन इसका कोई काम नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो नहीं बने, बस एक्सप्रेशन को ज्यादा ध्यान रखना है। लिख लीजिए एक और आता है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, क्या होता है एडिटिव इनवर्स, चौथा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो नंबर को जब हम लोग ऐसा दो नंबर को ऐड करें कि उसको ऐड करने के बाद उसका फाइनल आंसर जीरो आए, मतलब कि सम ऑफ टू रेस्टल नंबर इज ऑलवेज बी अ जीरो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स नंबर्स इज जीरो इज जीरो, तो एडिटिव इनवर्स इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अरे ऐसा तो तभी होगा ना जब कोई भी रैशनल नंबर के साथ उसका नेगेटिव हो, बिना नेगेटिव का तो जीरो हो नहीं सकता, जब नेगेटिव, जैसे कि अगर मान लीजिए हम मेरा एक रैशनल नंबर है 1/2, इसमें हमको ऐड करना, अगर हम -1/2 ऐड करेंगे तभी ना इसका फाइनल आंसर जीरो होगा, बिना माइनस का तो वो होगा नहीं,
तो इसीलिए सीधा याद रखना कि किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स जीरो तब होगा जब वही नंबर में नेगेटिव साइन में प्रेजेंट हो। जब नेगेटिव साइन लगा हो तो वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि 1 बाय 2 मान लीजिए 3 बाय 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 3 बाय 4 होगा। माइनस 3 बाय 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो प्लस 3 बाय 4 होगा। तो यही है एडिटिव इनवर्स और इसमें कुछ है नहीं। चलिए अब इसी चीज को, प्रॉपर्टीज को ही हम लोग देखते हैं आगे कि सब्ट्रैक्शन में इसका क्या क्या है। जैसे हम लोग इसमें देखें कि एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, एसोसिएटिव को शो कर रहा है, तो यही चीज सब्ट्रैक्शन में शो करता है कि नहीं, इस चीज को हमको जानना है कि सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देख ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर ऑन सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए देखे, अब सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? इसमें भी सबसे पहला प्रॉपर्टी वही आना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? अभी बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी नंबर को जब ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। तो दो रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर ही होगा। यानी कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। डिफरेंस हमेशा रैशनल ही होगा, विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। कैसे देख लेते हैं एग्जांपल। देखो एग्जांपल मान लीजिए हम ले रहे हैं 3/4 माइनस 1/2। 3/4 भी एक रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 4। हाँ, 3 - 2 = 1/4। तो 1/4 क्या? 1/4 भी एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग को ये तो प्रूफ हो गया ना कि डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 3/4 भी रैशनल नंबर था, 1/2 भी रैशनल नंबर है। जब दोनों को माइनस किए 1/4, इसका जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर ही है। मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी को ये शो करता है। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कहने का मतलब था कि सम में क्या कहते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन माइनस में वो चीज नहीं होगा। माइनस में नंबर डिफर करेगा, ए और बी, अगर ए और बी ग्रेटर है, मान लीजिए ए ग्रेटर है बी से और बी स्मॉलर है, तो फिर ए माइनस बी पॉजिटिव में आएगा लेकिन बी माइनस नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे ये चीज इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या होगा कि ए माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ पे बी माइनस ए के बराबर ये नहीं होगा। ए प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस है क्योंकि नंबर ऐड करना था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो क्या होगा कि यहाँ पे बी माइनस ए नेगेटिव में आएगा, लेकिन ए प्लस बी, ए माइनस बी पॉजिटिव में होगा। तो ये तो साइन चेंज हो गया ना, बस इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता है। ये तभी सपोर्ट करेगा जब ए और बी इक्वल होगा। ए और बी जब इक्वल होगा तो उसका आंसर क्या होगा, जैसे ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी है तो फाइनल इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ए और बी जो इक्वल है, मान लीजिए 2 2 है, 2 - 2 = 0, यहाँ बी माइनस 2 वही होगा, बी माइनस ए यानी कि 2 - 2 = 0। सिर्फ एक केस में सेम होगा जब ए इज इक्वल टू बी, बाकी बचे केस में ये सेम नहीं होने वाला। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आना है तीसरे प्रॉपर्टी पे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ग्रुपिंग वाला जैसे बताए थे ए जी को ब्रैकेट में पहले काम करना, तो इसमें डिफर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे फिर वही बात है कि नंबर चेंज हो जाएगा, माइनस में डिफर करना है। यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू, विल नेवर बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, कभी नहीं होगा। मान लीजिए ए हम वन ले लेते हैं, बी टू हो गया, सी थ्री हो गया। इसको करके देखते हैं, वन माइनस टू माइनस थ्री, इसका आंसर क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू टू। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी का हम लोग निकालते हैं, बी माइनस सी को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या आएगा, वन माइनस टू माइनस सी यानी कि माइनस थ्री। तो इसको हो गया माइनस वन माइनस थ्री, इसका आंसर क्या आ रहा है, माइनस फोर, माइनस फोर टू दैट इज जो टू है इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर। ये वाला इसके बराबर है क्या, टू और माइनस फोर इक्वल है, नहीं है। तो ये मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। ठीक हो गया, इसमें कोई इनवर्स वगैरह करके कुछ इसमें है नहीं, सब्ट्रैक्शन में बस यही तीन प्रॉपर्टी और इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है नहीं। चलिए हो गया, अब अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दो ऑपरेशन बचा हुआ है। नॉर्मल ऑपरेशन यही होता है कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का देख लिया, बचा क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देखने के बाद एक और चीज बचा रहता है कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, अगर दो रैशनल नंबर दिया गया उसके बीच में और कोई रैशनल नंबर निकालना है, तो इस चीज के बारे में हम लोग को और जानकारी चाहिए। और इसमें और ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर हम लोग क्वेश्चन पाएंगे एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल इनका जो डिमांड है, जैसे कि हम लोग के बैच में जो पहले पढ़ रहे थे उन लोगों को आर एस अग्रवाल पढ़ाया जा रहा था, तो आर एस अग्रवाल का सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा जाएगा और एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन बना दिया जाएगा। और वगैरह जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक वगैरह दिया जाएगा। ठीक है।